नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा में सुरा प्रेमियों की जेबों में डाका डालने वाले शराब दुकानों के ठेकों पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। शराब के ठेकों से मनमाना रेट पर शराब की बिक्री करने वालों का कलेक्टर ने एक दिन के लिए न सिर्फ लाइसेंस निरस्त कर दिया बल्कि सभी पर 10,000 का जुर्माना भी ठोका है। दरअसल यह कार्यवाही सहायक आबकारी आयुक्त विक्रम देव सागर द्वारा की गई जांच के बाद कलेक्टर मनोज पुष्प ने की है। कलेक्टर द्वारा की गई इस कार्यवाही के बाद आबकारी दल ने आज उन सभी दुकानों को बंद कर दिया है जिनके खिलाफ यह कार्यवाही की गई है। कलेक्टर मनोज पुष्प ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रावधानों के अंतर्गत शराब दुकानों का प्रबंधन करने के लिए शासन के निर्देश है। उन्होंने कहा कि शराब दुकानों से एमआरपी उल्लंघन की शिकायत आई थी जिसकी जांच में पाया गया कि दुकानों में उल्लंघन किया जा रहा है। संबंधित शराब दुकानों को उल्लंघन के संबंध में नोटिस भी जारी की गई थी लेकिन संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने पर शराब के 5 कंपोजिट दुकानों का एक दिन के लिए लाइसेंस निरस्त किया गया है, साथ ही 10,000 का जुर्माना भी किया गया है। बता दें कि कलेक्टर ने जिन शराब दुकानों का एक दिन के लिए लाइसेंस निरस्त कर जुर्माना लगाया है उनमें शहर की करहिया मंडी कंपोजिट शराब दुकान, रामनई गंगेव सिरमौर क्रमांक 1 सहित खैरा कंपोजिट शराब दुकान शामिल है। कलेक्टर ने जिले के सभी शराब ठेकों को चेताया है कि दुकानों का संचालन नियम के अनुरूप ही होना चाहिए और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। शराब दुकानों पे लाइसेंस को निरस्त करने कुछ कार्रवाई है, क्या पूरा मामला था, किसने की शिकायत थी? प्रावधानों के अंतर्गत शराब की जो दुकानें हैं वो उसका प्रबंधन करने के शासन के निर्देश हैं। एमआरपी के उल्लंघन के केसेज आए थे और उसके अनुसार ये पाया गया था कि एमआरपी का उल्लंघन इन दुकानों के द्वारा की गई थी। उन्हें नोटिस जारी किया गया था। नोटिस जारी करने के बाद इनका जवाब संतोषप्रद नहीं पाया गया तो एक दिन के लिए इनका लाइसेंस निलंबित किया गया है और सभी दुकानदारों पर 10,000 रुपये के हिसाब से जुर्माना भी लगाया गया है। सर, अगर आगे भी शिकायतें जारी रहेंगी तो किस तरीके की कार्रवाई होगी? निश्चित रूप से शासन के जो निर्देश हैं और जो नियम हैं उनके अनुरूप कार्रवाइयाँ होंगी। जो दुकानों का संचालन है वो नियम के अनुरूप होना चाहिए।